वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इतना अच्छा चेहरे पर निखार देख के और नया लुक देख के तो समझ आ गया होगा कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, बेटिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड जब ये सब होता है तो हमारे इंडियन ड्रेसेस ना अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पूरा साल खत्म होने को आ गया एंड एक भी शादी में नहीं गए सीरियसली, बट अब फेस्टिवल्स हैं तो थोड़ा बहुत खुद पर ध्यान देना तो बनता ही है। आज मैंने कुछ नया लुक क्रिएट किया है एंड इसका पूरा फोटो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं पाऊंगी। यहाँ पर मैंने व्हाइट कुर्ती पहनी है एंड उसके साथ ये ब्लैक कलर की चुन्नी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी तो मैंने ये वेयर करा। उसके साथ थोड़े से एथनिक टाइप के ज्वेलरी लाइक दिस। तो गाइस जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो हम हमारे घर पे ध्यान देने लग जाते हैं, मतलब पूरी सफाई, घर की सफाई, फिर उसके बाद हम खुद पर आते हैं ताकि घर साफ होने के बाद हम थोड़ा बहुत खुद पर ध्यान दे पाए। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग, फेस की केयर, मतलब पूरी बॉडी केयर। स्टार्ट करने वाले हम वैक्सिंग से, बिकॉज जब फेस्टिवल्स हो चाहे वेडिंग हो, मतलब लग जाते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैक्सिंग से। खच 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 वैक्सिंग तो चलती है। तो वैक्स करने के बाद जो बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पहले वैक्स करेंगे, उसके बाद आफ्टर केयर करेंगे बॉडी की, उसके बाद थोड़ा बहुत मेहंदी के और पेडी के और अपने नाखूनों पर भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे। तो जब बॉडी क्लीन अप हो गया है तो फेस पर भी ध्यान देना तो बनता ही है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना क्लीन अप का, वो वैक्सिंग होती है। बिकॉज जब वैक्सिंग हो जाती है ना तो काफ़ी हद तक टैनिंग अपने आप ही रिमूव हो जाती है। तो आई मेक श्योर कि वैक्सिंग हो जाए उसके बाद ही मैं अपनी बॉडी पे DIYs करूँ या फिर कुछ यूज़ करूँ, क्लीन अप करूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। एंड अभी तो पार्लर्स सब ओपन हो चुके हैं बट मैं पार्लर से सब बहुत ही कम कराती हूँ बिकॉज मेरी मम्मी को सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं बेनिफिट पूरा पूरा उठाऊँ। यस, तो आज ना सबसे पहले हम वैक्सिंग कर रहे हैं एंड आपको इसमें ट्रिक समझ आएगी कि वैक्सिंग करते कैसे हैं। यहाँ पे ना मैंने क्लोजअप भी शूट करा है, यू कैन ईजिली सी कि मेरे हेयर की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई हो रही है एंड फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, इससे हेयर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, उतर जाएंगे। सोने के बाद हमारी स्किन पे जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसे सही करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक आइस लिया है मैंने, उसे मैं अपने हैंड्स पे रब कर रही हूँ कुछ इस तरह से। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उन्हें ये स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये मस्ट हैव है। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। ये ना हमारे डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, काफ़ी स्मूथ स्किन बना देता है। तो ये आफ्टर वैक्स मुझे बहुत सही लगता है इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। पानी हमारी स्किन को बहुत हद तक स्मूथ बना देता है, ग्लोइंग बना देता है, सो आई लव इट। इस तरह से मैं अपने दोनों हाथों पे अच्छे से इसे रब कर लूँगी, बट मेक श्योर कि आपका हाथ पहले वेट हो, उन्हें थोड़ा सा गीला करना है पानी से, उसके बाद इसे अप्लाई करें। Thank you.
सो नेक्स्ट बारी है मेरे नेल्स की। मैं यहाँ पे मैनीक्योर पेडीक्योर दोनों करने वाली हूँ। सो फर्स्ट हम कर रहे हैं पेडीक्योर। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है एक टब, जिसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है। उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेरा बॉडी वॉश, डव बॉडी वॉश। आप यहाँ पे शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ना बाथ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मेरे पास था ये तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो ना तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच हनी यानी कि शहद। पैरों को इस पानी में धीरे धीरे डालें और उस मोमेंट को फुल एंजॉय करें। दो पाँच मिनट पानी में पैर रखने के बाद मैंने पैर निकाल लिए हैं। एंड अब यहाँ पे पहले मैं थोड़े से नेल्स को कट कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ये नेल टूल जो मैंने वेबसाइट से परचेज़ किया था। एंड अगर मुझे अमेज़ॉन पे कुछ लिंक मिलता है कुछ ऐसी किट्स का तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे नेल्स को कट कर लिया है। उसके बाद पानी में मैंने ये ब्रश को डिप करके थोड़ा सा अपने फीट पे ही क्लीन कर रही हूँ खुद से। उसके बाद ही पैर रखूँगी मैं वापस से। थोड़े से नेल्स क्लीन कर रही हूँ ताकि जो भी डर्ट है ना एक बार के लिए थोड़ी सी रिमूव हो जाए। ये नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ अपनी फीट पे टू एक्सफोलिएट। इसके बाद ना मैंने अभी पैर अपने उस पानी में टब में डाला नहीं है, इसे मैंने अलग से क्लीन कर लिया था बिकॉज़ अभी मैं उस पानी को गंदा नहीं करना चाहती थी। अब इसे हम वापस से उसी पानी में डालेंगे। अब तक पानी जो है वो ठंडा नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा गुनगुना रहा होगा। तो इस हद तक आपको गर्म करना है कि अगर आप बीच में 2-3 मिनट्स का गैप लेते हैं तो पानी ठंडा ना हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एम कैफे नेकेड एंड रिच कोको बॉडी बटर। ये ना बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा तब जब विंटर्स हों एंड विंटर्स में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इसे सबसे ज़्यादा विंटर्स में प्रेफर करती हूँ बिकॉज उस टाइम पे हमारी बॉडी को ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है, ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, तो दिस इज़ अल्टीमेट। लास्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 11-in-1 नेल केयर। एंड इससे क्या होता है ना, काफ़ी हद तक हमारे नेल्स जो होते हैं उसमें शाइन आ जाती है एंड नरिश हो जाते हैं। तो सच बताऊँ तो मुझे फ्री में मिला था, बट इसकी जगह ना आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती एक्सपायर हो और बड़े बड़े ख़राब हो जाए, तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, जो भी अच्छा लगे ना आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पेडिक्योर होता है एंड आप इजीली देख सकते हैं कि कितने क्लीन हो गए हैं पैर, कितने सही लग रहे हैं।
आप चाहें तो यहाँ पे नेल पेंट लगा सकते हैं, एंकलेट पहन सकते हैं और एनीथिंग। अब फटाफट से हम हमारा मैनीक्योर भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ लेमन और नींबू। उसके बाद मैं इस पर ऐड कर रही हूँ हनी और शहद थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने स्क्रब यूज़ नहीं करा बिकॉज ऑलरेडी पहले मैंने उसे यूज़ कर लिया था, तो अब वो मैं स्किप करूँगी। इसे हम हमारे हैंड्स पे रब करेंगे। नींबू से बहुत हद तक डेड स्किन जो होती है हमारी रिमूव हो जाती है। हनी से काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज हो जाते हैं हैंड, शाइन आ जाती है। सो दिस इज़ वेरी गुड। एंड नींबू जो होता है ना हमारे नेल्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नींबू यूज़ करना। जब भी मैं हमारा मैनीक्योर पेडीक्योर करती हूँ तो मैं नींबू ऐड कर लेती हूँ मैनीक्योर में। लास्ट में वही नेल केयर अप्लाई कर रही हूँ ग्लैम की। एंड लास्टली वो कोको बॉडी बटर। यू कैन सी कितना सही सॉफ्ट हैंड्स, क्लीन हैंड्स हो गए हैं ना। एंड इतने पिंक नेल्स, इतने क्लीन हैंड्स। इसके साथ ना आप लास्ट में ऐसे रिंग ऐड कर सकते हैं अपने हैंड्स में, फिंगर्स में, बहुत सुंदर लगता है। आप कुछ भी अच्छे से ब्रासलेट भी पहन सकते हैं। सो दिस वे हमारा मैनीक्योर पेडीक्योर डन हो जाता है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एम कैफी नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी फेस मास्क। ये जो है ना काफ़ी हद तक हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज हटाता है, नारिश करता है हमारी स्किन को एंड साथ ही साथ जो भी एक्सेस ऑयल है ना उसको भी हटा देता है। जैसे मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद 10 मिनट रखने के बाद मैं मेरा फेस वॉश कर लूँगी। सो यू कैन ईजली सी फेस कितना अच्छा ग्लोइंग लुक दे रहा है ना। एंड इसमें कोई इफेक्ट्स भी नहीं लगे हुए हैं एंड बिल्कुल नेचुरल लुक है ये। दैट्स इट गाइज, आई जस्ट होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपके पास एम कैफीन के प्रोडक्ट्स नहीं है ना तो डोंट वरी, मैं आगे आपके साथ बहुत सारे DIYs शेयर करने वाली हूँ बिकॉज अभी तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है, तो बहुत कुछ आगे आपको मिलने वाला है, लाइक अच्छे से DIYs मिलने वाले हैं और मेकअप मिलने वाला है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो फेस्टिवल से रिलेटेड है और वेडिंग सीजन से भी रिलेटेड है। बट स्टिल अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ फील फ्री मेरे को प्लीज़ बता करें, कॉमेंट करा करें ताकि मुझे आपके रिव्यूज मिलते रहें। अगर आपको एम कैफीन के प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइक उसके कॉफी रेंजेस एंड ग्रीन टी रेंजेस के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस शेयर कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। एंड खुद से प्यार करिए एंड डोंट फॉरगेट, आई लव यू ऑल।